ये बहुत थक गए हैं, बहुत परेशान हो गए हैं गाड़ी चला चला के, लेकिन कुछ भी को मजा भी आ रहा है उतना ही। तो हम बोलेंगे आपसे कि जरूर आइएगा। तो इस समय मोटा से थोड़ा सा आगे पहुँचे हैं और एक ढाबे में बैठ के चाय पी रहे, क्योंकि ठंड बहुत लग रही थी। तो अब थोड़ा ठंड को कम करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो भूख भी लग रही है। लेकिन अभी आगे जाके ब्रेकफास्ट करेंगे, लेकिन अभी चाय से काम चलाना जाएगा, चाय से काम चलाना पड़ेगा। ठंड के मारे सुबह से हमारी इतनी मतलब फटी जा रही थी कि इतना ठंड लग रहा था। और अभी फ़िलहाल पीछे देखो धूप दिखी तो इतनी खुशी हुई। और फर्स्ट टाइम मैं राइड कर रहा हूँ, मतलब ट्रैवल कर रहा हूँ अपनी धंधों में बुलेट पे। सो अब चाय पी ली है और अब चलना है आगे, वो भी अपनी धंधों के साथ। और धंधों में चलाने में मज़ा तो बहुत आ रहा है। जाना था, टोटल कवर करना था 171, और अभी पौंटा से थोड़ा आगे पहुँचे हैं। अभी भी है थोड़ा, मतलब बहुत है अभी, सॉरी थोड़ा बोल रहा हूँ, बहुत है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। रुकते रुकाते चलते हुए आपको वहीं मिलेंगे हम, जहाँ पे जाना है मेन। और फिर ब्लॉग पूरा देखते रहो। पहले तो हल्का होना है यार, बहुत मतलब टॉयलेट आ रही यार। तो मिलेंगे टॉयलेट करने के बाद या फिर कहीं आगे। भैया ठंडा लग रहा है बहुत, हम चलने वाले हैं आगे, तो देखते हैं क्या होता है, मज़ा आएगा बहुत, एंजॉय करो। सो बड़ी तेज भूख लग रही थी, सोचा रुक के कुछ खा लें। तो अभी एक बीच में एक ढाबा पड़ा है, तो अब कुछ खा रहे हैं, मंगाया, ऑर्डर करा है, देखते हैं क्या कैसा बनता है, कैसा आता है। और अभी हमने कवर करा है आपका, मतलब 110 तो हमने कवर कर लिया, अभी 254 बचा है। और आपको अभी तक पता नहीं तो मैं बता दूँ, हम जा रहे हैं अमृतसर बाय बुलेट। तो मज़ा चलाने में तो सुबह तो बहुत ठंडा लग रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सूरज वगैरह आ गया तो थोड़ा कम है, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। बीच में रुकते चल रहे हम, तो अभी देखते हैं आगे का रुकेंगे, फिर आपसे बात करूँगा मैं। चलो मिलते हैं। तो गाइस हमने ये बोला था कि हमें देखो आलू का पराठा बनाया था, हमने आलू के पराठे ये नाम दे रखा है, आलू का नाम, और इसका प्राइस है 50 रुपये। और चाय मंगाई, चाय है 25 की, देखते हैं कैसी होती है। लूट रहे हमें लूट, इतना वाहियात ब्रेकफास्ट, इतना वाहियात, मतलब आलू का पराठा बता के हमें दे रहे नान। तो क्या हमें पता नहीं क्या, हम भले ही उत्तराखंड से है, हमारा पागल बना दिया। ये पीछे ये आपका जो भी है होटल या ढाबा कुछ भी कह लो पंजाबी, तो भाई मज़ा नहीं आया। चलो अब चलते हैं आगे, अब आगे कहाँ रुकेंगे तब वहीं मिलते हैं। तो तनक भैया 168 किलोमीटर बचा है और हम रुके हैं थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पीने। तो भैया बहुत ठंडा लग रहा था रास्ते में, तो अब क्या करें भैया, बहुत परेशान हो गए हैं, बर्फ चल रही है ट्रक, लेकिन कोई दिक्कत नहीं भाई, बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे अमृतसर और आपको फिर अब वहीं मिलेंगे। नहीं उससे बीच में भी मिल सकता हूँ, धूल धूल कर दी। तो भाई अब पी रहे हैं थोड़ी कोल्ड ड्रिंक वगैरह, घर से लेके आए थे चिप्स, अब खाएंगे फिर चलेंगे। और बहुत दूर जाना है ना, तो थोड़ा रुक रुक के चल रहे हैं। चलो फिर मिलते हैं। ये बहुत थक गए हैं, बहुत परेशान हो गए हैं गाड़ी चला चला के, लेकिन कुछ भी को मज़ा भी आ रहा है उतना ही। तो हम बोलेंगे आपसे कि ज़रूर आइएगा यहाँ पर, बाइक में ज़रूर आइएगा अमृतसर, बहुत मज़ा आएगा। अभी जा रहे हैं, पहुँचे नहीं हैं, पहुँच के फिर मिलेंगे आपसे। भैया देख रहे हो आप, इधर आओ ना, इधर आओ। हालत बहुत बुरी हो गई है, थक के बुरा हाल है, लेकिन बचा है अभी कुछ कम ही बचा है, ऐसे बचा है मेरे ख्याल से 120 किलोमीटर करना है कवर। और मेनली ज़्यादातर तो कर ही लिया, कोई नहीं अभी कर लेंगे, और इसके बाद मिलेंगे अमृतसर में और ऐसा करके कुछ खाएंगे, मज़े करेंगे।
पेट ने फिर एक बार आवाज़ दी और हम फिर रुक गए, और भूख लग रही है दोबारा से बहुत तेज। और अभी थोड़ा बहुत खाएंगे क्योंकि अब हम पहुंचने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 70 किलोमीटर और रह गए, और उसके बाद फिर हम पहुंचेंगे फाइनली अमृतसर। और अमृतसर में तो भाई मज़ा करना है। और एक बात और, मतलब जब हम आ रहे थे ना, मतलब गाड़ी, मतलब रास्ता जो है ना बहुत सही है यार, बहुत ज़्यादा सही, मतलब हाईवे में और बहुत पास, मतलब व्यू बहुत सही है आपके, हर नियर बार आपको मिलेंगे गुरुद्वारे, मिलेंगे बहुत अच्छी अच्छी जगह, पार्क वगैरह बहुत हैं, लेकिन रोड बड़ी साफ़ है यार, गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो अब मिलते हैं, अब डायरेक्ट शायद अमृतसर में मिलेंगे, अभी फिलहाल खाने की वेट कर रहे हैं, कुछ आया, भूख लग रही है बहुत तेज। चलो पंजाब में आए, और पंजाब की लस्सी नहीं, ये गिलास देख रहे हो, गिलास गिलास कितना बड़ा है भाई, हमारे घर के दो हैं, दो ऐसे गिलास, मज़ा आ गया। पहले वाले रेस्टोरेंट से तो बढ़िया था, ये वाला ढाबा रेस्टोरेंट से बढ़िया था ढाबा, कुछ भी दो, खाना अच्छा था, ठीक था उससे, और ज़्यादा महंगा भी नहीं था। तो चलो अब चलते हैं आगे, और आप देखते हैं कहाँ रुकेंगे, शायद डायरेक्ट अमृतसर ना रुकें या फिर बीच में रुकेंगे, तो मिलते हैं आपसे। तो चलो चलते हैं अब गोल्डन टेम्पल। तो गाइस लेकिन यार ब्लॉग थोड़ा लंबा आ रहा है, इसे करते हैं दो पार्ट में डिवाइड, और गाली कोई नहीं देगा यार, ला रहा हूँ ना यार, बहुत जल्दी मेरा सेकंड पार्ट भी आएगा। तो तब तक के लिए यार अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट करो, लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बूमबॉय चैनल, और इसे स्टेटस में लगा देना, अपनी गर्लफ्रेंड को भेज देना, अपने भाई भाई को, सबको भेज देना यार। तब तक के लिए बने रहो मेरे साथ नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए, तब तक के लिए स्टे सेफली।